ग्यारह रुपए। अरे बिल्कुल अच्छा अच्छा जवाहर दादाजी के आप चेले हैं, उनकी आपकी तरफ से 11 रुपए आए हैं, आपको धन्यवाद है मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। कौन सा और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने, ये तो खैर तर्ज रही। गंगा राव आज खुश है। आइए मैं क्या कह रही हूँ, क्या बेटा क्या क्या आदरणीय जानकी रमन जी सुनिए, गीत को सुने आप सुनिए, और गीत में तीन अंतरे हैं। भाव का तीन अंतरे गाने में तीन अंतरे हैं। हालांकि तीन अंतरे अलग अलग नहीं, सब सेम सेम है बिल्कुल, लेकिन देखिए तीन अंतरों में तीन नारियां हैं। बस वो नारियां अलग अलग हैं, जरा देखें आप कैसे। जिस समय भगवान श्री राम के पास, अरे राम, अरे उनका पहचान लिया, हाँ ठीक, हमको याद है आपका नाम, हाँ दोबारा बोल अभी, हाँ गा रहे हैं दोबारा गा रहे हैं। भगवान श्री राम के पास जब सूर्पनखा पहुंच गई जी, और बोली हे राम, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। भगवान श्री राम ने जब सूर्पनखा को देखा तो देखे राम जी कहने क्या लगे, क्या बेटा क्या, थोड़ा भेज देने भैया थोड़ा, ¡Gracias!
जोड़ नहीं है। ये ढाई किलो का हाथ है का दिया। सुने आप सभी लोग, बेटा क्या राम जी कहने लगे सूर्पनखा से, अरे राक्षस कुल की नाक डुबाई तूने, तो पूरी राक्षस कुल की नाक ही डुबा दी। अरे तू तू मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन सुन सूर्पनखा, राम जी कहने लगे क्या से इशारे कर रही हो ऐ सूर्पनखा, नैनों के इशारे बेकार तुम्हारे, क्यों हम शादीशुदा हैं हम नहीं कुंवारे, इसलिए तुम्हारे ये नैनों के इशारे विशारे बेकार हैं। हम पे डोरे मत डालो, क्योंकि हम तो शादीशुदा हैं। जाओ मेरे लघु भ्रात लक्ष्मण जी, आहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरे लखनलाल मेरे छोटे भाई कुमारे, उनसे बात करो जाके। बिल्कुल। तो राम जी क्या कह रहे हैं, नैनों के इशारे बेकार तुम्हारे, हम शादी शुदा हैं हम नहीं कुंवारे, देखें आप। सुनिए है बेटा क्या, भगवान श्री राम पातालपुरी में है, और पातालपुरी का राजा अहिरावण, अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना भगवान श्री राम से बोली कि हे राम जी, अगर आप एक रात्रि मेरे साथ व्यतीत कर लेंगे तो मैं आपको अपने पति के मरने का राज बता दूंगी, मेरे पति कैसे मरेंगे। तो जब राम जी ने उस नारी की बात सुनी तो कहने क्या लगे, क्या भरी वासना तुझ में नारी, सकती है। तो राम जी कहने लगे चंद्रसेना से, बेटा भरी वासना अरे तुझ में नारी, किंतु है मर्यादा हमारी, मेरी भी कुछ मर्यादा है ऐ चंद्रसेना, तूने जरा
मुझसे शादी करने की बात कर रही है, मुझसे मेरे साथ एक रात व्यतीत करने की बात कर रही है, तो राम जी कहने लगे हैं चंद्रसेना क्या प्रस्ताव परिणय का लेके करने को व्यभिचार आ गई। बोले आए नारी रघुकुल के सितारे ये बैन उचारे। क्या बैन उचारे? क्या राम जी बोले रघुकुल के सितारे ये बैन उचारे। ऐ चंद्रसेना हम शादी शुदा हैं, अरे हम नहीं कुंवारे। प्रतिशोध की भावना ले करने को झूठा प्यार आ गई। पहली नारी विधवा थी और दूसरी शादी शुदा ये पर पुरुष से करने को नैना चार आ गई। पहली नारी विधवा, दूसरी नारी शादी शुदा। अंतिम बात सुनिए भाई साहब, क्या अंतिम नारी क्या? और ये तीसरी नारी कैसी है? कैसी? भगवान श्री राम माँ जानकी को लंका से ले जाने के लिए जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक नारी समुद्र किनारे बैठी रो रही थी। राम जी उस नारी के पास गए, बोले देवी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो राम जी ने जब उस नारी से पूछा, वो नारी बोली प्रभु मैं यहाँ पर राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो राम जी बोले अरे मैं ही तो राम हूँ, कहो क्या बात है? वो नारी बोली प्रभु मैं आपकी राह देख रही थी। तो कहा क्यों देख रही थी मेरी राह? कहा प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी बोले नहीं देवी ये नहीं हो सकता, अभी तो मैं एक पत्नी व्रत धारी हूँ और मेरा विवाह हो चुका है। मेरी पत्नी को वो रावण अपनी लंका में ले गया है हरण करके, जिनको मैं मुक्त कराने के लिए जा रहा हूँ। अभी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो वो नारी राम जी के चरणों में गिर के रोने लगी, और जब रोने लगी तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? बोले अभी तो मैं लंका जा रहा हूँ, लेकिन जब लंका से लौट के आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राम जी लौटे, श्रीमान जी राम जी लौटे, लेकिन वो देवी उनको पहचान नहीं पाई। और जब नहीं पहचान पाई तो राम जी बोले बस बस मैरिज कैंसिल। राम जी ने कहा बस देवी आपका प्रण टूट चुका है, अब मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तभी भगवान श्री राम कहने लगे सुनो देवी मेरी बात सुनो, तुमने मुझे पहचान बताई किंतु नहीं क्या? राम जी बोले अभी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका प्रण भी टूट गया, आप मुझे पहचान भी नहीं पाई, इसलिए जाओ जाओ जाकर के त्रिकूट पर्वत पे तपस्या करो और कलयुग में जब मेरा कल के अवतार होगा तब मैं आपसे शादी करने जरूर आऊंगा। तो भैया जी आज वही देवी जो त्रिकूट पर्वत पे विराजमान है, जो आज भी कुंवारी बैठी है, जिसको हम लोग माता वैष्णो देवी के नाम से भी जानते हैं। स्वस्थ रहिए। तो राम जी उस समय उस नारी से क्या कह रहे थे? क्या प्रस्ताव बोले? क्या प्रस्ताव वो परिणय का लेके करने को इंतजार आ गई। लेकिन राम जी
आपकी शादी नहीं होगी। कलयुग में संवारे ये सपने तुम्हारे, जो तुम सपने देख रही हो मुझसे शादी करने के, ये कलयुग में पूरे होंगे। तो कलयुग में संवारे ये सपने तुम्हारे, क्योंकि अभी हम शादीशुदा हैं, हम नहीं कुंवारे। तो मिलन की आशा लेके राखी करने नारी इस प्रकार आ गई। और वो नारी कैसी है? कैसी? कुंवारी है लेकिन पर पुरुष से करने को नैना चार आ गई। दूसरी शादीशुदा नारी, तीसरी कुंवारी नारी, ये और तीनों नारी पराए पुरुष से करने को नैना चार आ गई। इसलिए विधवा ये नारी पर पुरुष से करने को नैना चार आ गई। वाला भी प्रसंग लगा दिया उसमें। हाँ, कि जानकी मन यहाँ से जवाब न लावे। बिल्कुल, चली गई वाली बात एक और हो सकती थी। उर्वशी आकाश से आई, पूर्वा से शादी किया और आकाश को चली गई। हाँ, ये भी जवाब हो सकता था। बिल्कुल, चलिए एक बड़ा अच्छा गीत आपका आया है। हाँ, हम खाओ अच्छा खाओ रजनीगंधा दोनों टाइम खाओ। हेलो, हेलो, एक गीत बजा। के चुप गया प्यार का कांटा दिल में। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। राकेश जी, गीत आपका बहुत बढ़िया है, मगर गीत किसका है? गीत राजू रंगीला गाते हैं। आज पहली बार ऐसी नार मिली है, कोई प्रसंग काट के आपने इस पे लिखवा लिया है। सुनिएगा,
फिर भी बढ़िया है। आपने इसका ऑपरेशन करवाया कि इनका दूसरी धुन पे लिखवाया, बढ़िया मसाला किसी और का है। बेसन में जाए लड्डू हर कोई बना सकता है, और क्या सुनेगा। एक प्रसंग मैं भी दे रहा हूँ। ब्रह्मा की सभा में हनुमान जी बैठे हैं। राखी जी, ब्रह्मा की सभा में अब आपने कहा कि भगवान राम कभी भाई यहाँ एक नारी प्रस्ताव लेके आई, चलिए सुपना का विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई। वैष्णो माता तपस्या कर रही थी, विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर नहीं आई, प्रस्ताव केवल सुपनखा ही लेकर के आपके गीत में आई है। बाकी माता वैष्णो तपस्या कर रही थी, राम ने कहा वापसी में मैं वापस होऊंगा, अगर तुम मुझे पहचान जाओगी तो मैं विवाह कर लूंगा। लेकिन बात रही चंद्रसेना की, तो चंद्रसेना ने विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि बात सोने की थी कि राम आप मेरे साथ सोए, मेरे साथ आपका मिलन हो, विवाह का प्रस्ताव हुआ नहीं था। बिल्कुल सुनिएगा। हनुमान जी ब्रह्मा की सभा में बैठे हैं, वही मेनका नाम की अप्सरा आ गई। सुनिएगा, मैं भी तो विवाह की बात दिखा रहा हूं। उधर भगवान श्री राम की बात आप कर रही हैं, मैं हनुमान जी की बात कर रहा हूं। क्या बात है? कहना क्या हनुमान जी का, देवी क्षमा करिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। मेनका ने कहा कि मैंने अपने मन में संकल्प ले लिया है, आपके द्वारा मुझे एक पुत्र चाहिए, आपके द्वारा मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, प्रभु ये मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा पूरी करें। हनुमान ने कहा ये तो हमसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल कभी सोचे बिचारे हो श्री हरि को पुकारे, कभी सोचे बिचारे हो श्री हरि को पुकारे, और अरबे शर्म ये नारी हो और हम करके इशारे कि ब्रह्मचारी से करने को ये देखो व्यभिचार आ गई। एक बार और उसी सभा में मेनका ब्रह्मा के द्वारा श्रापित हो गई। राखी जी, उसी सभा में ब्रह्मा के द्वारा मेनका श्रापित हुई, मेनका मछली बन करके उसी सागर में आकर रहने लगी, लंका के किनारे जो सागर है उसमें रहने लगी। और हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाने गए, जब लंका को जलाकर अपनी पूंछ बुझाने गए और वो पसीना हनुमान जी का वही मेनका रूपी मछली वो पी गई, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। हनुमान जी ने उसकी इच्छा पूरी करके रखी जी।
अब एक विवाह और देखे हनुमान जी का, हनुमान जी के तीन चार विवाह, लेकिन चूंकि समय का बंधन हो गया तो एक प्रसंग और दे रहा हूं। कैसे दूसरा, अरे सच करके आई सभी लोग विवाहित हैं, तुम कुमारे रहे बच्चे हो तो तुम अपना विवाह कर लो। चलो संजय भाई, हनुमान जी ने कहा ये तो प्रभु नहीं हो सकता है, तो कहा नहीं मेरी आज्ञा है, तो कहा आपके अगर आपकी आज्ञा है तो मुझे स्वीकार, अगर दुल्हन कौन सी होगी, कहा भाई की बाहर नहीं जाना, वो जो मंथरा है ना अपनी मंथरा कैकेयी की दासी, वो भी उसके पति नहीं है, विधवा है बेचारी, और तुम भी कुमारे हो, विवाह हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा कि एक शर्त है प्रभु, अगर मंत्रा आकर सभा में हाँ कर दे तो मैं विवाह कर लूंगा। रात्रि में हनुमान जी मिले मंत्रा से, कहा अगर तुम मुझसे विवाह के लिए अगर सभा में हाँ कर दिया तो इस भूसे से तमाम लोगों का काम हमने तमाम किया है, तुमने हाँ कर दिया, अगर शादी हो गई तो एक भूसे में विवाह के बाद सुहागरात में तुम्हारा क्या हाल करूंगा तुम जानोगी। ये दूसरा मंत्रा डर गई, कहा मैं कतई हाँ नहीं करूंगी, लेकिन अब राम की आ गई थी तो सच की आ गई, सच के आई वो कुबर वाली। दूसरा अंतर हवा महल में है, अरे सच करके आई वो कुबर वाली, बदसूरत वो काली का। ये है आप सभी लोग देख रहे हैं, संग में जैसे और तमाम लोग, तमाम सखियां होती हैं, मन में सजी समरी और बेढंग निराली हो, और बनने प्रभु प्रभु बहन उचारे यूं करके इशारे, विवाह करोगी प्रभु बहन उचारे यूं करके इशारे, और मंत्र भी जवाब दे रही है, ना कर ना में सर हिलाया और वो भी करके इशारे। हनुमान जी का चलो जान बची, लेकिन मन में कहा हार से बचा मैं देखो, मैं अपनी हार से बच गया और क्या मेरी जीत हो गई, हार से बचा मैं देखो ये फूलों का ले हार आ गई, और कहा और क्या और कहा, ब्रह्मचारी के संग में करने और ब्रह्मचारी के